नासा ने बताया कि ये ब्लैक होल फर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है। ये आकाशगंगा अपने आप में 1.1 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसमें गर्म गैसों के कई समूह हैं। ये अपने आप में गैसों का एक बड़ा बादल है। नासा ने ट्वीट किया, ये धारणा गलत थी कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है क्योंकि आकाशगंगा खाली है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नासा ने ब्लैक होल की आवाज जारी की है जो बेहद विचित्र और भयानक है। ये आवाज ठीक वैसी ही है जैसे हॉलीवुड फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी के अंत में सुनाई देती है। ये एक भूतिया फिल्म के साउंड ट्रैक जैसी है। नासा के वैज्ञानिकों ने धरती से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की है। इससे ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैस है कि हमने वास्तविक ध्वनि का पता लगा लिया है। यहाँ एक ब्लैक होल की एम्पलीफाइड और अन्य डाटा के साथ मिलाकर बनाई गई ध्वनि है। ये आवाज एक कंपन है जो सुनने में बेहद डरावनी है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। नासा की ओर से जारी किए गए ब्लैक होल की आवाज में लोगों को ओम सुनाई दिया है। कई लोगों ने नासा के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा कि अंतरिक्ष में ओम की आवाज गूंजती है। ओम शाश्वत ध्वनि है, वे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। साल 2003 में ब्लैक होल को पहली बार ध्वनि से जोड़ा गया था और अध्ययन के मामले के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तब वैज्ञानिकों ने पाया था कि ब्लैक होल से पैदा होने वाला दबाव क्लस्टर की गर्म गैस में तरंग पैदा करता है। हालांकि ये आवाज इतनी कम थी कि इंसानों को सुनाई नहीं देती। खगोलीय डेटा का सोनिफिकेशन करके वैज्ञानिकों ने इसे बदल दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।